जापान का शहर हिरोशिमा परमाणु बम से तबाह हो गया था। लेकिन क्या हिरोशिमा अब भी रेडियो एक्टिव है? फिलहाल वहाँ रेडिएशन का स्तर उतना ही है जितना धरती के किसी और हिस्से में। ये अच्छी खबर है, मगर ये कैसे हुआ? चूंकि बम जमीन से 600 मीटर की ऊंचाई पर फटा, तो ज्यादातर रेडियो एक्टिव पदार्थ हवा के साथ उड़ गए। नतीजा ये हुआ कि एक हफ्ते बाद वहाँ बहुत कम रेडिएशन बचा था, जबकि चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना के बाद बहुत सारा रेडियो एक्टिव पदार्थ बचा रह गया जो धीरे नष्ट हुआ। दुर्घटना का असर इतना व्यापक था कि मध्य यूरोप में मशरूम जैसी खाने की कुछ चीजों में अब भी बहुत ज्यादा रेडिएशन मौजूद है।